इसी हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, आप क्या कहेंगे, एक बड़ी कामयाबी कहा जाए पाकिस्तान की तो गलत नहीं होगा। बीएनए के सबका कमांडर ने 70 साथियों के हमरा कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान किया है। लेकिन ये क्या बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसके लिए खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज को, चीफ आर्मी स्टाफ को, जनाब मलिक को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। इससे पहले अगर आपको याद हो, कुलदार संबे ने भी मेन टीम में आगे भी छोड़ के, और अब इन्होंने खुद जो एक्टिंग कमांडर थे ये 70 हाथियों में डाल दिए, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि अब जो एक बरगलाता हमारे दुश्मन जो हमारे बलोच भाई को बरगला रहा था, वो अब उनको समझ आई कि इससे कितना नुकसान हो रहा है बलोच हमारे भाइयों को और उसके साथ बलोचिस्तान को और पाकिस्तान को। क्यों उन्होंने खासतौर से कहा कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान लाजमा मंजूम है, दे हैव टू वर्क टुगेदर बलोचिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। फिर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इन्होंने 150 लोगों को, बलोच नौजवानों को मारा है सिर्फ इससे कि वो भत्ता नहीं दे रहे। आप सोचें क्या ये बलोचिस्तान के अवाम के लिए काम कर रहे हैं या दुश्मन का तो हमें खेल के जो पाकिस्तान को बलोचिस्तान को नुकसान पहुंचाने हैं, बल्कि ये बलोचों के दुश्मन है। ये जो जिस तरीके से मरवाया बलोचिस्तान के लोगों को और उनको पहाड़ों पर चढ़ाया है, इससे नुकसान तो हमारे बलोच भाइयों को है, जब समझने की बात है। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि जिसकी जन सरप्राज के जहाज पर क्रैश हुआ तो किस तरीके से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, और ये सारा कुछ जो है ये रॉ के इमाम पे, इंडिया के इमाम पे किया गया बीएनए के थ्रू। ये उन्होंने बात बड़ी क्लियर कर दी है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने खुद बात की है कि अब हमको मजामत करके अंदाजा हो गया है कि ये हम बहुत बड़ी गलती भी की, औरतों को जो उनको भी शामिल करके किया गया, उनके बीवी बच्चों को देखें, उनकी फैमिली तबाह कर दी, जो लोग पहाड़ों में बैठे हुए उनके घर तबाह हो गए, उसके घरों में नहीं जा सकते, फैमिली के साथ कोई ईद त्यौहार नहीं गुजार सकते। हर वक्त जब यही फिक्र होता है कि इस वक्त कोई रियासत ही आके रियासत में इनको पकड़ना लीजिए मारा ना जाए, तो ये क्या जिंदगी है। उनकी तालीम नौजवानों की कितना हालत हो रहा है, तो पढ़ने के मौके उनके हाथ में चार दिए दी गए। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को आप रियलाइज करने के बाद अब ये बात समझ आ गई है, और देखेंगे बहुत तादाद में, ज्यादा तादाद में पहाड़ों से लिपटे हुए हमारे बहुत लोग भाई, और वो आपके मेन धारे में आएंगे। बिल्कुल, मजीद लोग भी कौमी धारे में शामिल होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।